नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को याद करते हुए आज पूरे देश में शोक की लहर है। उन्हें स्मरण करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रणब दा को राजनीति का अजात शत्रु कहा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक रहेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आधे झुके रहेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनाही रहेगी। बिहार के लिए बाढ़ की त्रासदी झेलते रहना असहनीय पीड़ा है। इस बार फिर सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दिल्ली जाकर केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात कर उन्हें नेपाल में हाई डैम के लिए केंद्र स्तरीय वार्ता का आग्रह किया। मंगलवार से गया में शुरू होने वाले पितृपक्ष मेले को सरकार ने स्थगित कर दिया है। गया धाम में इस बार ऑनलाइन भी पिंडदान नहीं होगा। सभी बुकिंग रद्द कर दिए गए हैं। इस माह के अंत तक विदेशी उड़ानों को रद्द रखने का ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि बीते 25 मार्च को कोरोना संक्रमण के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। पटना के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त ताजा खबर के मुताबिक जिले से 163 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो पाई है, जबकि 5 लोगों के मरने की भी खबर है। इस माह 6 तारीख को जदयू ने मुख्यमंत्री की वर्चुअल कीबोर्ड रैली का आयोजन किया है, जिसके लिए तैयारी अंतिम चरण में की जा रही है। पटना में 101 जगहों पर इसकी व्यवस्था की गई है। 3 सितंबर तक विभिन्न प्रचार माध्यमों से कोरोना संक्रमण के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और फिर 4 से इसे नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्तर पर मास्क की उपयोगिता को अनिवार्य कर दिया गया है। पटना ने मेट्रो की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस बीच एजेंसी का काम पूरा करने की संभावना पर काम किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले ही शिलान्यास की भी संभावना है, ताकि निर्बाध रूप से काम होता रहे। 2 एजेंसियों को 696 करोड़ का काम दिया गया है। चुनाव आयोग ने तय समय से मतदान के लिए सभी प्रकार की तैयारियों का जायजा लेना शुरू किया हुआ है। इसी के तहत 27 जिलों के डीएम के साथ आयोग ने बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए। 33,803 सहायक मतदान केंद्र पर भी बुनियादी सुविधाओं का ध्यान रखने को कहा गया है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज़।